Students. How are you? Uh, students, today और टॉपिक इन सोशल स्टडी सब्जेक्ट दैट इज़ क्लोथ्स ठीक है क्लोथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं ठीक है प्रीवियस नॉलेज की कि क्लोथ्स में हमने क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट वी रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ठीक है पहले हमने किस्मों के क्लोथ्स के बारे में पढ़ा के हर एक इलाके का के कपड़े जो है वो दूसरे से डिफरेंट होते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमने कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि जिस तरह हर इलाके के कपड़े दूसरे इलाके से डिफरेंट होते हैं इसी तरह हर एक कंट्री के ड्रेसेस जो है वो दूसरे कंट्री से مختلف होते हैं ठीक है फिर उसके बारे में उसके बाद हमने स्पेशल क्लोथ्स के बारे में पढ़ा जो लोग स्पेशल जॉब्स के लिए यूज़ करते हैं ठीक है जो लोग जिस किस्म की जॉब करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसका वो यूनिफॉर्म जो है वो यूज करते हैं ठीक है आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कपड़ा बनता किस तरह है ठीक है किन चीज़ों से ये बनते हैं ठीक है सो टुडे और टॉपिक इन सोशल स्टडी सब्जेक्ट ऑफ ग्रेड टू इज क्लोथ ठीक है क्लोथ क्लोत्स मीन कपड़े और क्लोथ मीन कपड़ा ठीक है क्लोथ्स जो कपड़े सिल चुके हों जो बन चुके हों जो हम पहन लेते हैं देट आर कार क्लोथ्स और क्लोथ मीन कपड़ा जो सिले हुए ना हो ठीक है ना जो अभी हमने इसको सिले हुए आ, सिला हुआ ना हो ठीक है अभी हमने उसको बनवाया नहीं होता ठीक है तो वो कपड़ा कहलाता है आज हम पढ़ेंगे कि क्लोथ जो है ये कपड़ा किस तरह बनता है क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक ठीक है कपड़े जो है ये मुख्तलिफ किस्म के दागों से बनाए जाते हैं ठीक है फैब्रिक का जो औरिजिनल मीनिंग है वो है ताने बाने लेकिन इसको हम दागी भी बोलते हैं ठीक है ये कपड़ा जो है कपड़े जो है ये मुख्तलिफ़ दागों से मिलके बनाते हैं

Silk, रेशम से एंड अदर यान और दूसरे जो सूती धागे होते हैं और अदर जो सूती धागे होते हैं सूत होता है ठीक है उससे बनाए जाते हैं ठीक है ये मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ फैब्रिक हैं इनसे ये धागे बनाए जाते हैं किस चीज से कॉटन कपास वूल ऊन सिल्क, रेशम एंड अदर और दूसरे जो सूत के दागे होते हैं ठीक है सूती धागे होते हैं उनसे ये क्लोथ्स बनाए जाते हैं नंबर फर्स्ट वी टॉक अबाउट द कॉटन। कॉटन कम्स फ्रॉम अ प्लांट ठीक है कॉटन का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा अगर नहीं देखा ठीक है तो यहाँ पे बुक में आपको पिक्चर दी गई है दिस इज अ प्लांट कॉटन प्लांट और ये उसमें कॉटन जो है वो आ, उगे हुए है है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट सी आ, जो रुई होती है वो होती है ठीक है ये प्लांट्स उगाए जाते हैं फिर उसमें ये फ्लावर्स निकल आते हैं बर्ड्स होते हैं कली होती है फिर कली जब खुल जाते हैं तो उसके अंदर ये कपास कॉटन बॉल जो है ये मौजूद होते हैं ये रुई की तरह होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड कॉटन प्लांट ठीक है कपास का ये कपास का पौधा है ठीक है कॉटन कम्स फ्राम अ प्लान कॉटन जो है वो प्लान से आते हैं ठीक है कपास जो है वो पौधों से हम हासिल करते हैं द काटन बॉल्स आर पिक्ड बाय हैंड ये जो कॉटन बॉल्स है ठीक है छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वाइट कलर के सॉफ्ट से रुई होती है इसको मशीन से नहीं हाथों से कलेक्ट किया जाता है हाथों से जमा किया जाता है ठीक है दे आर टेकन टू अ फैक्ट्री जब हम कलेक्ट करते हैं तो इनको आ, स्टोर करके, बोरी में जमा करके इनको फैक्ट्री कारखाने लेकर जाए लेकर जाया जा, जाता है एंड स्पन इन टू अ योन और पिर इनको योन में ठीक है सूती दागों में खातना स्पन मीन खातना खातना ठीक है इनको सूती दागों में खाता जाता है मतलब इससे दागे बनाए जाते हैं जो बड़ी बड़ी रील होते हैं ठीक है गोन टाइप ठीक है उससे ये बड़े बड़े धागे जो हैं वो खा खातने जाते हैं ठीक है बनाए जाते हैं ये कॉटन बॉल जो है जमा किया जाता है हाथों से फिर इसको कारखाने लेकर जाते हैं और इसके कुछ केमिकल्स वगैरह होते उस पर डाल के इसको बॉयल करके उससे दागे जो है वो काटने जाते हैं ठीक है और उसको बड़ी बड़ी रील में जो है वो बांधे जाते हैं उस दागों को रील यॉन जो है वो गोंद टाइप होते हैं गोंद तो देखा होगा ठीक है वो तो छोटे होते हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं लेकिन फैक्ट्री में जो होते हैं वो बड़े बड़े धागे होते ठीक है बड़े बड़े योन्स होते हैं तो उनसे वो यॉन्स जो है धागे जो है वो बनाए जाते हैं द यन इज़ देन मेड इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉटन फैब्रिक्स और फिर उन योन से उन सूती दागों से मुख्तलिफ़ किस्म के कॉटन फैब्रिक जो है बनाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं ठीक है, है ये देखें ये है कॉटन प्लांट ठीक है कॉटन प्लांट इसके कॉटन बॉल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं मशीन से इसलिए नहीं निकाला जाता ताकि ये ये हल्के होते हैं जल्दी से हवा में आ, उड़ने लगते हैं ठीक है तो इसलिए इनको हाथों की मदद से जमा किया जाता है पिक किया जाता है पौधों से अलग किया जाता है फिर इनको फैक्ट्री रवाना किया जाता है फैक्ट्री भिजवाया जाते हैं, वहां से इनसे जो है वो यॉन्स दागे बनाए जाते हैं और फिर उन दागों से मुख्तलिफ किस्म के कपड़े जो है वो बनाते हैं ये देखिए ये है द मशीन दैट मेक क्लोथ आर कॉल्ड पावर लूम ठीक है इसको उर्दू में भी पावर लूम ही कहते हैं ये वो मशीन है जो बिजली से चलता है ठीक है और इसको कहते हैं पावर लूम ठीक है इससे मुख्तलिफ़ कपड़े जो है वो बनाए जाते, है, जाते हैं ठीक है पहले कॉटन बॉल्स कलेक्ट करके फैक्ट्री रवाना किए जाते हैं वहाँ पे उनसे मुख्तलफ़ किस्म की सूती धागे जो है वो बनाए जाते हैं फिर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के कॉटन फैब्रिक्स कॉटन के कपड़े जो हैं वो बनाए जाते हैं ठीक है सो दिस मशीन इज कॉल्ड पावर लूम दिस मशीन इज कॉल्ड पावर लूम ठीक है ये देखे ये सारे दागे हैं ठीक है और ये जब बुनते रहते हैं ठीक है एक दूसरे के अंदर जोड़ते रहते हैं तो इससे कपड़ा बनता है और कपड़ा इधर नीचे आके रोल होता जाता है ठीक है तो ये बिजली से चलता है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है एंड दिस इज कॉल्ड पावर लूम ओके ओके स्टूडेंट अब फिर जो है आगे हम पढ़ेंगे वूल वूल ऊन के बारे में ऊल कम्स फ्रॉम शीप आप लोगों ने शीप को देखा होगा दुम्बे को ठीक है उसके ये बाल जो होते हैं ठीक है थीके? ये उससे काटे जाते हैं ठीक है वूल जो है उससे फिर हम उससे ऊल बनाते हैं ऊन बनाते हैं तो सबसे पहले ये शीप के बाल जो है इसको शीप से अलग किए जाते हैं गंजा करवाया जाता है इसको इसके ये सारे बाल जो है कलेक्ट किए जाते हैं फिर इनको फैक्ट्री लेकर जाते हैं जब फैक्ट्री लेकर जाते हैं तो फिर वहां पे मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स होते हैं उसमें डाला जाता है और उससे फिर ये जो है ये बनता है ठीक है इस वूल से आप जो स्वेटर पहनते हैं आप लोग जो कैप्स पहनते हैं ठीक है जो सॉक्स वगैरह इसी तरह जो गरम कपड़े होते हैं तो ये सारे जिसको हम कहते हैं वुलन क्लॉथ्स ठीक है वुलन क्लॉथ्स जो वूल से बनते हैं तो उससे फिर वूल वाले धागे बनते हैं और फिर उन वूल से फिर हम डिफरेंट क्लॉथ बनाते हैं स्वेटर्स बनाते हैं कैप्स बनाते हैं ठीक है तो वूल कम्स फ्रॉम शीप ये हम शीप से हासिल करते हैं ठीक है नेक्स्ट है सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वम्स सिल्क वम्स मीन जो रेशमी कीड़ा होता है जो सिल्क होता है रेशम के कपड़े होते हैं वो हम कहाँ से हासिल करते हैं सिल्क वॉम से ठीक है रेशमी कीड़े से अच्छा अब हम रेशमी कीड़े से कैसे हासिल कर सकते हैं ये एक स्पेसिफिक वॉम है कीड़ा है ठीक है अच्छा जी ये ज़्यादातर ये शहतूत के पत्ते जो हैं ये काते हैं ठीक है ठीके? जब ये पत्ते काने लगते हैं तो ये इसके साथ बड़े होते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके मुँह से एक दागा सा निकलता है लुआब सा निकलता है ठीक है फिर ये रेशमी कीड़ा जो है अपने इर्द गिर्द वो दागा बांधता रहता है बांधता रहता है जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है ठीक है जब ये दागे अपने इर्द गिर्द बांधने लगे तो ये इसके अंदर बंद हो जाता है ठीक है जब ये बंद हो जाता है तो फिर लोग आके इसको कलेक्ट करते हैं ठीक है जब कलेक्ट करते हैं तो इसको बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं ठीक है जो उबला हुआ बहुत ज्यादा उबले हुए पानी में डाल देते हैं और इसके साथ एक चरखा सा लगा देता है ठीक है उस बर्तन के साथ और वो चरखा घुमाते रहते हैं और इससे ये धागे जो है अलग होते जाते हैं अलग होते जाते हैं फिर इसको जो है वो रील की तरह गोंड की तरह उसको जो है वो स्पन किया जाता है काटा जाता है तो फिर इसको फैक्ट्री भेजवाए जाते हैं और उससे सिल्क क्लोथ्स बनते हैं ठीक है जो रेशमी कपड़ा होता है आप लोगों ने अपने पेरेंट मदर की जो है सिस्टर की या अपनी आंटी वगैरह के कपड़ों को देखा होगा ठीक है उनको बताएं कि हमें सिल्क क्लोथ दिखाएं सिल्क का कपड़ा दिखाएं तो ये सिल्क कपड़े जो हैं ये सिल्क वॉर्म से बनते हैं रेशमी कीड़े से बनते हैं ठीक है फैब्रिक इज़ आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स ठीक है ये फैब्रिक जो है ये धागे जो होते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स से बनते हैं ठीक है सम नेम्स यू माइट नो आर एंड नायलॉन ठीक है कुछ के नेम्स जो है केमिकल्स के नेम जो है रेन एंड नायलॉन ये दो केमिकल्स हैं इसकी मदद से जो है ये धागे बनाए जाते हैं और इससे फिर आगे हम क्लोथ्स बनाते हैं ठीक है ओके हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी ग्रो लॉट्स ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कपास जो है वो उगाई जाती है वी आल्सो यूज लॉट्स ऑफ कॉटन टू मेक क्लॉथ्स सो वी बाय कॉटन फ्रॉम अदर कंट्रीज ठीक है यहाँ पे पाकिस्तान में कॉटन uh, से कपास से बहुत ज़्यादा कपड़े बनाए जाते हैं ठीक है तो इसलिए हम दूसरे ममालिकों से भी कपास ख़रीदते हैं पाकिस्तान में भी ज़्यादातर कपड़ों के कारखाने हैं फैक्ट्रीज़ हैं ठीक है यहाँ पे भी ज़्यादा कपड़ा बनाया जाता है तो जो पाकिस्तान में कपास उगती है तो वो उसके लिए कम पड़ जाता है तो इसलिए हम फॉरन से दूसरे कंट्री से भी कपास ख़रीदते हैं ठीक है हेयर आर सम पीपल वर्किंग विथ क्लोथ आर क्लॉथ्स यहाँ पे कुछ लोग आपको पिक्चर में दिखाई दी जाएंगे कि किस तरह वो लोग कपड़ा या कपड़ों से काम करते हैं ठीक है क्लोथ कैन ऑल्सो बी मेड ऑन हैंडलूम यहाँ पे हमने देखा तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है बिजली से चलता है तो देट इज़ कॉल्ड पावर लूम यहाँ पे जो है अब हैंड लूम्स हैं ठीक है यहाँ पे देखें हैंड औरत जो है बैठ के जो है कपड़ा कपड़े की बुनाई कर रही है ठीक है वेविंग क्या कर रही है वेविंग बुनाई कर रही है इसको पश्तो में कड़े भी बोलते हैं ठीक है थीके? ये ज्यादातर यहाँ पे रजड़ साइड पे होते हैं ठीक है वहां पे लोग जो है वो हाथों से कपड़े बनाते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है रजड़ की वो कपड़े बहुत ज्यादा फेमस भी है जो हाथों से उसकी बुनाई होती है ठीक है हाथों से बनाते हैं ये देखें वहां पे बिजली से वो मशीन चलती थी यहाँ पे हाथ से वो कर रही है ठीक है तो जब हाथ से कर रही है तो दिस इज कॉल्ड हैंड लूम हैंड लूम राइट ओके जब क्लोथ बन जाता है कपड़ा बन जाता है तो फिर हम उसको स्टिचिंग के लिए लेकर जाते हैं सिलाई के लिए लेकर जाते हैं ठीक है टेलर के पास तो टेलर उससे कपड़े जो है वो बना लेते हैं स्टिचिंग कर लेता है ये देखें अब ये कपड़ा बना रही है और ये कपड़े बन गए हैं तो दिस इज क्लोथ एंड देट आर क्लोथ्स ठीक है क्लोथ जो सिले हुए ना हो कपड़ा हो और क्लोथ्स जो बन जाते हैं जिनकी स्टिचिंग हो जाती है दैट आर कॉल क्लोथ्स लाइट क्लोथ्स आर आल्सो स्टिच इन फैक्ट्रीज। बी अब्दुल्ला देना दोले। बार मजा